इंडिया में जिस गेम का बड़े से लेकर छोटों तक सबको बेसब्री से इंतजार था, जल्द ही इसका सब्र अब टूटने वाला है। और इंडिया में इस हफ्ते बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, जिसे पहले पबजी के नाम से जाना जाता था, वो अब जल्द ही लॉन्च होने वाला है। बता दें कि भारत में पबजी मोबाइल को पिछले साल बैन कर दिया गया था, जिसके बाद यूजर्स इसके बेहतर विकल्प का इंतजार कर रहे थे। दक्षिण कोरियाई डेवलपर कंपनी क्राफ्टन ने हाल ही में भारत में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को पेश कर दिया है, जो कि यूजर्स के बीच पबजी मोबाइल की कमी को पूरा करेगा। आपको बता दें कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को पिछले महीने प्री रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध करा दिया गया था, जिसके बाद से ही भारतीय यूजर्स गेम के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब तक सामने आई लीक्स व खुलासों के मुताबिक यह गेम भारत में 18 जून यानी कल लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम में सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाएगा। वहीं सामने आई रिपोर्ट के अनुसार इस गेम को लॉगिन करने के लिए मोबाइल वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के सपोर्ट पेज पर OTP ऑथेंटिकेशन के कुछ नियम दिए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉगिन करने के लिए OTP अनिवार्य होगा। बिना OTP के यूजर्स इस गेम में लॉगिन नहीं कर सकेंगे। सपोर्ट पेज पर OTP से जुड़े नियम और सवाल दिए गए हैं, जिनके मुताबिक यूजर्स केवल 3 बार वेरीफाई कोड एंटर कर सकते हैं। यह वेरीफाई कोड केवल 5 मिनट के लिए वैलिड होगा, यानी आपको 5 मिनट के अंदर इसे एंटर करना होगा। अब देखना होगा कि क्या कल यानी 18 जून की लीक्स तारीख के मुताबिक बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं, या फिर थोड़ा और वेट करना पड़ेगा।